हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ओपनर। जी हाँ, मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है। ताज वीडियोस था पहले, अब मैंने टेक ओपनर किया है। तो अगर आप इनफ्लिक्स नोट 4 यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछता था कि आपका व्हाट्सएप का SMS मतलब कि नोटिफिकेशन ठीक टाइम पर कैसे आता है। तो मुझे पता है जब नोगट था इनफिनिक्स नोट 4 का तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो नोटिफिकेशन प्रॉब्लम ज़्यादा था तो वो उसकी बात नहीं करते। तो चलिए, अगर आपने ओडी अपडेट कर लिया है तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा। देखिए, उन लोगों का खुद का ही फोन मास्टर आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन है, होम, टूल बॉक्स, मी। ये देखिए, टूल बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप समझ गए मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टूल बॉक्स, टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 3 नंबर पर एक ऑप्शन है, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। जी हाँ, आप इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए और जैसे आप आ जाएंगे, आप देख लेना कि अगर आपका व्हाट्सएप जो है, देखिए व्हाट्सएप इस पर इनेबल हो, मतलब कि आप जिस जिस सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपको दिखाए तो उसका एक इनेबल होना चाहिए। तो ये था पहला। और दूसरी बात, अगर आपका ये पहले से ही है फिर भी नहीं आ रहा, तो आप जाइए यहाँ पर देख सकते हैं आप CPU कूलर के नीचे एक ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे, और हाँ खबरदार दोस्तों, आप इस इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक मत करना। मत अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारे नोटिफिकेशन है वो बंद ही हो जाएगा, मतलब कि ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। ये एक तरफ से अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट पे। आप मतलब अगर फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। मतलब कि जब भी आप फोन यूज़ करेंगे, डेटा ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब अलाउ हो जाएगा। तो दूसरा हो गया। और तीसरी बात एक और है, किधर गया, नहीं मिल रहा। ये देखिए पावर, आप पावर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी इन्फिनिक्स नोट 4 में बहुत ही गर्म हो रहा है फ़ोन, तो आप ऑप्टिमाइज कभी भी मत करना। तो आप ऑप्टिमाइजेशन पे नीचे एक देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्रीन ऑफ स्लीप। जी हाँ, ये देखिए मेरा अभी ऑफ है, लेकिन मेरा पहले ऑन था। ये देखिए, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए पूरी तरह से। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन है जहाँ पर लिखा है स्क्रीन ऑफ पुश ब्लॉक, इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। और एक बार फ़ोन रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आप एक बार व्हाट्सएप खोलिए। और हाँ, अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताइए, रिस्टार्ट कर लीजिए और आप देखिए कि आपका काम करता है कि नहीं। तो थैंक यू दोस्तों आपके वीडियो देखने के लिए।